आपका बच्चा डर जाएगा भाई। अरे लेटो जल्दी रुको, आप क्यों हंस रहे थे जानी? Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा नाम है आरिफ चंद। तो भाई आज का सीन है, हम लोग आए हैं पोर्ट ग्रैंड, यहाँ पर हो रहा है कॉन्सर्ट। अवेश भाई के साथ आया है मेरा दोस्त अवेश। अवेश अबे कहाँ है भाई मेरे साथ साथ चल, कहाँ है नशे में भाई? ये कुछ नहीं बोल रहा, कौन सा फेस्टिवल लगा यार? मैंने तो कॉन्सर्ट बताया, भाई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल भी लगा हुआ है और कॉन्सर्ट भी हो रहा है। तो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं हम लोग किशन भाई? क्योंकि कॉन्सर्ट खत्म हो जाए, आए हम लोग बहुत दूर से और टाइम भी बहुत हो गया है, मतलब कि 10 बजे हम लोग इंटर हुए हैं पोर्ट ग्रैंड के अंदर। तो आपको दिखाते हैं, हम लोग भी इंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कॉन्सर्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग जा रहे हैं कॉन्सर्ट की तरफ। कॉन्सर्ट यहाँ पर हो रहा है, लड़की आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? अबे कुछ बोल रहे हैं मौजूद है। अरे लेटो जल्दी रुको, आप क्यों हंस रहे थे जानी? ना तो नहीं है यार। अबे भाई चुप कर जा, चलो भाई आ रहे सेल्फी लेने मेरे साथ। यार भाई ये जो सिंगर आया है ना, ये गाना ढंग का नहीं गा रहा, किशन नाराज होके जा रहा है। भाई यार थोड़ा ढंग का यार, मेहरबानी कर। आशिकों की तादाद कितनी है? ये जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या शर्मा रहे। भाई पैसों से प्यार करते हैं। लो जी, आशिकों के लिए एक सॉन्ग है, आप में से ज्यादातर ने यकीनन सुना होगा, परीजात सुना है? चलिए निशान के लिए, ये है आशिक और ये है मजनू। मेरा दोस्त रागी सॉन्ग बोल रहा भाई, रागी सॉन्ग ये वाला दोस्त रागी सॉन्ग लगा दो। सिंगर के बारे में गलत बात नहीं करो, हैदराबाद से आया वो यार, और उल्टी उल्टी बातें बोल लो। हैदराबाद से गाना गाया है निशान, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हम लोग जा रहे हैं
ये ट्रेन जा रही है। सुशांत भाई जा रहे हैं पानी की बोतल लेने। सुशांत भाई मैं भी पीऊंगा यार, मुझे भी प्यास लगती है। कार्ड में भी कुछ नहीं आज। आज के दिन नहीं है। जुम्मा हफ्ता इस बार में कुछ नहीं होता, पीर मंगल को जुमेरात होता। चलो सही है भाई, आइंदा ख्याल रखना सुशांत भाई। चलो भाई भाई पानी के पैसे दे दो फिर। एक कोल्ड ड्रिंक ले लो यार छोटी। किसिंग का गैंग है। बहुत बहुत शुक्रिया यानी आई लव यू। तो भाई स्टेज पे चढ़ के गाना गाने के बाद मेरा हो गया अलग मुशक। तो सिंगर आया पानी पीने। मेरे दोस्त ने मेरे लिए पानी लिया, वेद भाई ने। जी भाई आरिफ जैम ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है, आरिफ जैम ब्लॉग। तो भाई सिंगर को पानी मिला ना, अभी गाने ला के हम चलते यार। सिंगर भाई अभी भाई क्या कर रहा है? अबे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी यार, मेरा दोबारा वहाँ है शो है वहाँ पर। ये खेल रहे गेम, इनको गेम में उतारा था छत पे, तो ये समझ रहा कि मैं असली में गिर रहा हूँ नीचे, तो इसलिए भाई डर रहे थे। और ये गाड़ी जा रही है भाई BMW, अबे टक्कर हो गई भाई, आगे पीछे बम्पर का नुकसान हो गया। जब कॉन्सर्ट के अंदर थे तब हमारे दोस्त कुछ नहीं कर रहे थे, जब हम कॉन्सर्ट से निकल के बाहर आए गाना सुन के इनके अरमान दागर के वहाँ चल के डांस करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं हम दोबारा कॉन्सर्ट की तरफ, अगर इनका मूड हुआ तो डांस करेंगे, वरना दोबारा खड़े खड़े यूँ खड़े खड़े कॉन्सर्ट देखेंगे। और फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्योंकि ईट फूड फेस्टिवल लगा है, ये लगा हुआ ईट फूड फेस्टिवल। हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, मैं तो घर से खाना खा के आया हूँ, मैं चाय भी पी के आया हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और चाय भी पी ली, खाना भी खा ला, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, इसलिए मैं कुछ भी टेस्ट नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने कहा था आपको यहाँ पे अलग से गाना गाया, फूल फांडा वाला आया हुआ अपनी एक्टिविटी करने। अस्सलाम वालेकुम भाई। ले 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 तो ले भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई यहाँ हम एक्टिविटी कर रहे हैं। किसकी एक्टिविटी कर रहे हो? फूल फांडा की तरफ से एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी में क्या कर रहे हो हमें भी तो बताओ, हमारे एक्टिविटी में हम लोग ये बता रहे हैं कि फूल फांडा प्रो की तरफ से एक फूड डिलीवरी पार्सल का एक ऐप निकाला है इन्होंने लॉन्च किया, तो आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बाय फूड पांडा से आप दे। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? खुश क्यों? हमारा ब्लॉग बना रहा हूं। हमारे तो सोसाइटी है, साइमन सोसाइटी है यार, वहां पे फूड पांडा वाले नहीं आते, क्यों नहीं आते रीजन बताओ। अभी बुलाया जाने ये तो आपको ऐप से पता करना पड़ेगा, ये हमें नहीं पता यार। आपने साइमन देखा ना लॉन्च करने के बाद? साइमन नहीं, दूर नहीं है, सामने वाले मोहल्ले में फूड पांडा वाले आते हैं, लेकिन क्यों नहीं मतलब इलाका खतरनाक है। अरे सोसाइटी है, सोसाइटी है, नहीं पता मैं नहीं मांगे। चलो सही है, कोई बात नहीं, मैं फोन में जाकर सर्च करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे फूड पांडा वाले क्यों नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई। वॉशरूम साफ करने का सामान मिल रहा है, अभी हटो दीजान भाई। हार्दिक वगैरह मिल रहा है, इसके अलावा बैक बॉलर ही है और ये क्या चीज़ है और ये है रबड़ी। मैं तो शॉप से निकाला क्योंकि ये होती है बहुत महंगी, इस वजह से मुझे शॉप से निकाला था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग आगे दोबारा कॉन्सर्ट की तरफ, मेरे दोस्त भी जो हमारे जाने के लिए काम करेंगे यार, हम लोग का जा रहे हैं करने। और ये लोग भी जा रहे हैं, चलो आ जाओ। नारा पसाना जी दो चार लाइनें तू डांस करेगा अवेश भाई, करोगे ना डांस? ओके चलते हैं, ठीक है। अगर सड़ा मुंह बना के क्यों बोल रहा है, सीधा मुंह बचाओ को चाहिए।
हैं निशान भाई के साथ, अवैध भी जा रहा है। तो इस सिंगर ने कर दिया हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद। ये बात मैंने कॉन्सर्ट में बोली थी लेकिन मेरी आवाज़ नहीं पहुँची आप लोगों तक, तो मैं कॉन्सर्ट से थोड़ा साइड में आके बोल रहा हूँ कि इसने बहुत टाइम गाया किया, अभी अच्छा गाना गाएगा, अभी अच्छा गाना गाएगा, अरे कभी अच्छा गाना गाएगा। अमित भाई भी बोर हो गए, अमित भाई बोर हो गए थे यार, बहुत ही बेकार गाने गाए, मगर बीच वाला अच्छा था, फरीदा। कौन सा वाला? फरीदा ना, वो भी गाना अच्छा है, लेकिन वो गाना मुझे भी तो नहीं आता। फरीदा गाना अच्छा गाया तो सही नहीं है, मगर गाना अच्छा है तो उसके सूट कर रहा हूँ। अमित भाई गा के दिखाएंगे, जितने गाया है ना उसको अवैध भाई ने दिखाया, बताओ अवैध भाई। अरे लिखा ही मैंने, लिखा भी अवैध भाई है ना। अवैध भाई आप परिजन ये कहाँ से आए, आपने टैलेंट कहाँ से आया है? ये सामने से टैलेंट जा रहा है, ये न्यू टैलेंट जा रहे हैं भाई, ये आग उड़ाते हैं हम दिनों में, ये जुम्मा अब्दाज बार को आग नहीं उड़ाते, मतलब जुम्मा अब्दाज बार को आग नहीं उड़ाते, ये आम दिनों में आग उड़ाते हैं। निशान भाई हमारे दोस्त गुम हो गए, क्या हुआ भाई? भाई निशान जाए, निशान भाई जा रहे हैं हम लोग वीडियो और पिक्चर क्लिक करने, वो वहाँ खड़े होगा, हम लोग ब्लॉग बनाते बनाते आगे चले गए, तो हमें घूम के वापस आना पड़ रहा। ये खड़े हुए निशान भाई, ये रहा बोट ग्रैंड का लोगो। तो भाई निशान भाई को हमारी केजीवी तस्वीरें पसंद नहीं आई, तो भाई पिक्चर क्लिक कर रहे हैं उनकी, और ये अवैध भाई गाइड कर रहे हैं। अवैध भाई पानी की बोतल खाली हो गई भाई, फेंक दो इसको, देखो पहली बात तो उनका रंग काला, दूसरी बात ये अंधेरे में तस्वीरें की जाए, कहाँ से जाएगी, कौन सी लाइट लाओ, इमरजेंसी कर दो लाइट लाओ। अवैध भाई निशान भाई क्लिक कर रहे हैं भाई जी, कैमरामैन तो यही है, हम तो बिना वजह बदनाम है कि अरे शूट कर दो, अरे पिक्चर क्लिक कर दो, असल कैमरामैन मेरा दोस्त निशान है भाई। ये रहा सराइकी, ये रहा भाई, सिंगर ने पूछा सराइकी है यहाँ पे, मैंने बोला ये बैठा हुआ भाई जान, ये रहा सराइकी, ये रहा सराइकी, ये रहा, ये बैठा हुआ, जा बेटा बुला रहे। तो आया था तुम्हारे भाई शॉपिंग करने, दुकान ही बंद है, ये रहा अम्मी ने मंगाया था साबुन, टूथब्रश और टूथपेस्ट, ये तीन चीज़ें मंगाई थी, लेकिन यहाँ दुकान ही बंद है यार। चलो सही है, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा आएंगे ना तो खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, मंजन से गुजारा करेंगे। तो दोस्तों अवैध भाई सिंगर से शिकायत कर रहे हैं, बोलो अवैध भाई। भाई ये बैंड में तो गाने गाते मज़ेदार नहीं गाते, ये अपने चलाए थे वो चलेंगे नहीं था गया वक्त, ये तो है गाने कोई और गा रहा है, ये अपने अपनी एडिटिंग बीच में डाल के और गाना गाते हैं, तो इस तरह थोड़ी चलेगा जैसे अवैध भाई कह रहे हैं। अबे वो इतने करोड़ों रुपए लगा के गाने बना रहे, उनके गाओ तू, अपने घर से लिख लिख के ला रहे गा रहे और आवाम को सुला रहे। अच्छा आप जो गाने गाते वो अपने घर से लिख के लाते? भाई मैं तो सुने सुनाए गाता हूँ, अपने लिखते ही नहीं। अबे भाई आप अगर किसी कॉन्सर्ट में अवैध को गाता हुआ देख लेना, तो आप आती मतलब वो भूल जाएंगे ये ऐसा गाना गाते हैं अवैध भाई, सही बोल रहा हूँ ना? नहीं नहीं झूठ बोल रहा है। तुम्हारी अम्मी ने मंगाया था टूथपेस्ट, मंगवाया था वो, देखो दुकान बंद है भाई, बोल देना, मैंने ब्लॉग में भी ले लिया, लॉक लगा हुआ है, सही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन नहीं लगा हुआ, मुंह धोने का साबुन मंगाया था इसकी अम्मी ने, मेरी अम्मी ने भी मंगाया था साबुन मंगाया था, अच्छा कोलगेट मंगवाया था और टूथपेस्ट मंगवाया था, लेकिन दुकान में नहीं, कोई बात नहीं अवैध भाई, अगली दफा आएंगे ना तो ले लेंगे। एक शिकायत हमारे दोस्त कर रहे थे अवैध भाई, और एक और भाई मिले जो सिंगर के बारे में शिकायत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ये बात है, बोलो भाई किसका नाम? सिंगर का नाम नहीं पता भाई, पहली दफा देख रहे हैं इसको, बोलो भाई। हम पिछले हफ्ते आए थे, हमने बाहर जो है ना इसका वो देखा मोनोग्राम, तो हमने बोला बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है, 300 के बजाय हमने 400 टिकट दिया, इधर आए तो पता चला इतना लुल सिंगर आया है, मलंग लग रहे हैं, तो क्वालियां मार रहे हैं, शोबाजियां कर रहे हैं खाली। अच्छा वैसे 200 रुपए टिकट होता है, वैसे 200 रुपए का टोकन होता है चाय का, आज तो वो भी नहीं दिया और टिकट भी 400 रुपए की है, अपने पैसे भी निकाल रहे हैं हमसे ये। अच्छा वैसे 200 रुपए का टोकन होता है, मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, मैं चाय के एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक ले लें या जूस ले लें, चिप्स भी खा सकते हो, चिप्स भी खा सकते हैं। अच्छा आज पूरे 400 रुपए लिए हैं एक जुल्फे वाले आदमी को दिखाने के लिए, भाई हम तो आज इसको खाली जलील कर रहे हैं, ताड़ियां बजा रहे हैं, हम शेम कर रहे हैं इसको, लानत भेजते हैं ऐसे सिंगर पे। अबे हमने लानत दी थी लेकिन शेम किया, मेरे ये वाले दोस्त भी बोलो, जब आ रहा था इसके जैसे वेलकम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सायर अली पक्का आ रहे हैं उसकी जगह पे। जो बात है भाई आपका नाम क्या है यार? यासिर खान। एक ही यासिर खान भाई चलेंगे रोड पे भी, रोड पे भी 5,000 के नोट पे भी, ऐसे सिंगर के लिए नहीं आओ। भाई मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अबे शुक्रिया तो बोल लो भाई, वो अभी गेम में मत डूबे।
तो आपको जो वहाँ पे सिंगर आया हुआ उससे अच्छे सिंगर दिखाते हैं आपको यहाँ पर श्रीकांत या ये वाले भाई को वहाँ भी अवेश इधर आ। अबे अवेश सुन ले यार। तो भाई अवेश जा रहा अपनी पप्पू से मिलने, वो जो गुड़िया नहीं होती, गुड़िया नाच रही होती है, उनके पास जा रहा है। मेरी सुन नहीं रहा। अबे भाई 12 बजे तक है, कहीं नहीं जा रही भाई, पप्पू जा रहे मिलने, तो मेरी तो सुन लो भाई। ये एक तो मेरे दोस्त के साथ बहुत बड़ा मसला है, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ घुसते ही बोलता है चलो चलो। किस बात की जल्दी है भाई, क्या वॉल्यूम थोड़ा स्लो, वॉल्यूम मेरा स्लो है, तुम बताओ जल्दी क्यों करते हो यार। मैं 1 किलोमीटर दूर नहीं खड़ा हूँ, थोड़ा स्लो है। अच्छा भाई स्लो बोल रहा, लेकिन वजह तो बताओ क्यों लेट करते हो, जल्दी करते हो। तुम चाह रहे हो तो मैं पोर्ट ग्रैंड वाले निकाले गलत बात है। अब यार पिछले ब्लॉग में तुमने बोला था भाई जाएंगे नहीं, निकाले जाएंगे भाई। अहमद भाई याद है? हाँ तुम्हें इंशाल्लाह ताला मुझे लगा कुछ दिन में घर से भी निकलोगे यार। घर से क्यों निकालेंगे भाई, घुस रहे हो ना घर से भी निकलो। खैर हो भाई कोई बात नहीं, 2-3 बजे अभी से थोड़ी घुस रहे हैं, 2-3 बजे घुसते करना भाई। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को असल में मिक्की माउस कैसे होते हैं। मिक्की माउस मैं दिखाता हूँ आपको असल में मिक्की माउस कैसे होते हैं। मिक्की माउस भाई दिख गया होगा, थोड़ा सा दिख गया होगा आपको। तो भाई आप पैकिंग पे नहीं जाए, अंदर जो सामान है वो चेक करें भाई। कभी भी आप अपने बच्चों को किसी भी मिक्की माउस के पास लेके जाए ना, तो उसको ये मत बोलना कि अपना हेलमेट उतारे, आपका बच्चा डर जाएगा भाई। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ या नहीं। गुद्दी तो नजर आएगा योगी 12 लाख। गुद्दी थोड़ी सी जगह भी दिख गया भाई, मिक्की माउस से दिल खराब कर दिया यूट्यूब पे भी नहीं कर दिया भाई। तो भाई नॉर्थ में पानी क्यों नहीं आ रहा, वो वजह पता चल गया। ये लाइन कहाँ से, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लाइन लीक है, सारा पानी यही रस्ते में बह रहा है, जब ही नॉर्थ पे नहीं आ रहा है ना। वैसे सही बोल रहा हूँ ना। तो भाई लाइन है पोर्ट गेंद से लीक, इस वजह से नॉर्थ वालों तुम्हारे घर पे पानी नहीं आ रहा। आप अपने अपने यूसी में जाएं शिकायत करें, एक एप्लीकेशन लिख के सारे मोहल्ले वाले जाएं और वो जमा कराएं यूसी में, और ये बोलें कि भाई पोर्ट गेंद में पानी की लाइन लीक है जिसकी वजह से हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, सो काइंडली प्लीज इसको रिपेयर करें। सही है, और कितनी इन्फॉर्मेशन दूं भाई, कितनी इन्फॉर्मेशन दूं बताओ। अवेश के परदादा 1988 में जो उन्होंने पेंटिंग की थी ना, अच्छा मैं आपको बताऊं, इनके दादा परदादा पेंटर थे, तो इनके दादा ने जो 1988 में पेंटिंग की थी ना, कि जब से ढूंढने पता नहीं कहाँ चली गई, तो मैंने अवेश को ढूंढवा के दिया। अवेश तेरे दादा की हाथ की बनी हुई पेंटिंग नूरी ये रखी हुई। अबे अवेश इधर आ, तेरे दादा की हाथ की बनी हुई है यार, आजा तेरे को दिखाऊं। मैंने नहीं अपने दादा की हाथ की तरह दिखाई, लड़की देखते मुझे अंदाजा आ रहा है मेरे दादा का। दादा बनाइए वो भी दिखाओ, जरा रोजगार रखे। अबे मतलब हमारे दादा ने जो बनाई थी वो अच्छी तो लग रही है। रात बहुत हो गई है, थक भी गए और आवाज भी बैठ गई है, मेरे दोस्त भी थक गए ये नारियल से, तो इसके लिए माजरा। ब्लॉग बहुत मैंने जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया था, इसके साथ साथ करते हैं ब्लॉग को खत्म। अगर आपने आरिफ चंद ब्लॉग को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तुम्हें बताया था कि तुम्हारे भाई की चैनल की घंटी नहीं है, कि तुम्हारे भाई की दिल की घंटी है यार, प्लीज बजा दो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।